विवेक बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। स्मार्टफोन का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मामले में भारत भी पीछे रही। साल 2019 भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी अच्छा रहा। एक रिसर्च के मुताबिक भारत ग्लोबली दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। जी हां, काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारतीय स्मार्टफोन मार्केट ने 2019 में 15.8 करोड़ स्मार्टफोन के एनुअल शिपमेंट के साथ पहली बार अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा 2019 में स्मार्टफोन के शिपमेंट में 7% की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मिड रेंज सेगमेंट की तेजी से हुई ग्रोथ की वजह से हो पाया है। दरअसल पिछले कुछ समय में मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों ने एग्रेसिव अप्रोच के साथ अपने पहले या दूसरे स्मार्टफोन को अपग्रेड करने का मन बना रहे यूजर्स के लिए फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स वाले नए डिवाइसेज लॉन्च किए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शिपिंग प्लेटफॉर्म्स इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में तेजी से लाने के लिए पसंदीदा सेलिंग प्लेटफॉर्म बने हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों का लगातार बढ़ता भरोसा इसकी खास वजह है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सालाना आधार पर स्मार्टफोन मार्केट के लिए डेवलपमेंट सिर्फ एक डिजिट रही, लेकिन बाकी मार्केट्स के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi 2019 में 28% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर रहा। Vivo भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 21% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 19% हिस्सेदारी के साथ Samsung तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। Oppo और Realme टॉप 5 में शामिल है। Oppo का भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 12% की हिस्सेदारी और Realme की 8% हिस्सेदारी है। वहीं भारतीय बाजार के दाम पर Xiaomi के एक स्मार्टफोन ने दुनिया के टॉप 10 बेस्ट सेलिंग फोन्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। कुल मिलाकर भारत में पिछले कुछ समय से ज्यादातर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों का दबदबा बना हुआ है।